खबर आई अभिनेता गोविंदा से जुड़ी हुई। उनके साथ एक हादसा हो गया। मुंबई पुलिस के मुताबिक गोविंदा को अपनी ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपने पैर में गोली लग गई। रिवॉल्वर का लॉक खुला रहने के कारण यह हादसा हुआ है। आपको बताएं कि उन्हें साफ करने के बाद अलमारी में वो रख रहे थे गोली को, तभी रिवॉल्वर को तभी गोली चल गई जो उनके पैर में घुटने के नीचे जा लगी, जिसके बाद उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। वहां उन्हें आईसीयू में फिलहाल एडमिट किया गया है। मामले में पूरी जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी अश्विनी पांडे हमारे साथ है। अश्विनी, वाकई काफी हैरान करने वाली ये घटना है अभिनेता गोविंदा के साथ जो हुई, हालांकि उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी किया है। अभी तबीयत कैसी है उनकी? जी, अभी उनकी तबीयत जो है पूरी तरह से स्थिर है। सुबह जो है जब वो अपने एक कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए मुंबई के इसी गोल्डन बीच में स्थित जो उनका बंगला है, आगे की तरफ आपको दिखा दें जो लाल कलर का पत्रा दिखाई दे रहा है, वहीं पर उनका बंगला है। सुबह वो यहाँ से करीब 4:45 बजे एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे। उन्होंने पैकिंग करनी शुरू की। पैकिंग के बाद जो उनका रिवॉल्वर था उसे उन्होंने जो है अलमारी में रखने के दौरान रिवॉल्वर उनके हाथ से छूटा और नीचे की तरफ गिर गया। जानकारी के मुताबिक रिवॉल्वर का जो लॉक है वो पहले से ही उसका कुछ हिस्सा टूटा हुआ था और जैसे ही रिवॉल्वर नीचे गिरा वो 6 गोलियां उसमें लोड थी, उसमें से एक गोली चल गई जो कि घुटने के ठीक नीचे, बाएं पैर के घुटने के नीचे उन्हें जा लगी। मौके पर जो पुलिस बॉडीगार्ड था उनका वो लेकर अस्पताल गया, जहाँ पर जो है पूरी तरह से छानबीन की गई, पूरा जो किस तरह से जो है गोली कहाँ तक गई है सारा कुछ एक्सरे किया गया और फिर गोली को बाहर निकाला गया। फिलहाल उनकी तबीयत पूरी तरह से स्थिर है, आईसीयू में एडमिट हैं। वहीं से उन्होंने एक वीडियो, अपना ऑडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने तमाम जो उनके प्रशंसक हैं उनका आभार व्यक्त किया, डॉक्टर का आभार व्यक्त किया और लोगों को चिंता नहीं करने की बात कही। फिलहाल जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं वो सभी अस्पताल में मौजूद हैं। उनकी पत्नी पहले से ही कोलकाता में दुर्गा पूजा के कार्यक्रम में जो है जाने के लिए पहुँच चुकी थी। खुद गोविंदा भी उसी कार्यक्रम में जाने वाले थे, वो वापस आ चुकी हैं, अस्पताल में मौजूद हैं। कुछ देर पहले घर से बाकायदा खाना भी भेजा गया गोविंदा के लिए, उन्होंने खाना खा लिया है और फिलहाल आराम कर रहे हैं। जी चलिए, गोविंदा के तमाम फैंस के लिए काफी अच्छी खबर आपने बताई कि वो अभी ठीक हैं, स्थिर हैं, आराम कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और तो उन्होंने खुद बाकायदा अस्पताल से एक ऑडियो मैसेज भी जारी करके अपने तमाम प्रशंसकों से कहा है कि चिंता करने की बात नहीं है, मैं एकदम ठीक हूं। धन्यवाद करेंगे अश्विनी इस अपडेट के लिए आपका।